आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी हमारे गठबंधन है इंडिया गठबंधन के, सबको साथ लेकर हम सबको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि अभी से ही कांग्रेस से 2027 की तैयारी। निश्चित तौर से हम जनता के बीच में हैं, जनता के साथ खड़े रहने वाला दल है कांग्रेस। कल आप देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने आके धन्यवाद ज्ञापित किया। सबसे पहले आप देखिए प्रदेश में पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया पूरे देश में, तो उसमें राहुल जी और प्रियंका जी आए। अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन रहा है, अभी वहां झूठी मार्केटिंग चल रही है बनारस में, तब तक हमारे नेता आकर अपनी कार्यकर्ता और अपने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित आभार व्यक्त करके चले गए। और यात्रा 11 से 15 और कहीं कहीं हो सकता है एक दो दिन आगे स्टैंड भी करें। चंद्रबाबू नायडू भी सर आज शपथ लेने जा रहे हैं। मैं निश्चित तौर से उनको मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, अच्छी सरकार चलाएं। और पर जरूर जो ये दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो गुजरात के बड़े व्यापारी, इनसे सावधान जरूर रहेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, ये जिस तरह से चीजें चल रही है जम्मू कश्मीर में, लगातार आतंकी हमलों में, उसको किस तरह से पूरी तरीके से, यहाँ पर जो उन्होंने 370 की बात कही थी, 370 हट जाएगा, हट गया तो सारी चीजें समाप्त हो गई। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आकर बनारस में और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ घटनाएं घट रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी लोग बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि सारी चीजें केवल दिखावटी हैं, इनको प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर जिन लोगों ने ऐसा कार्यपूर्ण कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी हमारे गठबंधन है इंडिया गठबंधन के, सबको साथ लेकर हम सबको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि अभी से ही कांग्रेस से 2027 की तैयारी। निश्चित तौर से हम जनता के बीच में हैं, जनता के साथ खड़े रहने वाला दल है कांग्रेस। कल आप देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने आके धन्यवाद ज्ञापित किया। सबसे पहले आप देखिए प्रदेश में पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया पूरे देश में, तो उसमें राहुल जी और प्रियंका जी आए। अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन रहा है, अभी वहां झूठी मार्केटिंग चल रही है बनारस में, तब तक हमारे नेता आकर अपनी कार्यकर्ता और अपने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित आभार व्यक्त करके चले गए। और यात्रा 11 से 15 और कहीं कहीं हो सकता है एक दो दिन आगे स्टैंड भी करें। चंद्रबाबू नायडू भी सर आज शपथ लेने जा रहे हैं। मैं निश्चित तौर से उनको मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, अच्छी सरकार चलाएं। और पर जरूर जो ये दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो गुजरात के बड़े व्यापारी, इनसे सावधान जरूर रहेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, ये जिस तरह से चीजें चल रही है जम्मू कश्मीर में, लगातार आतंकी हमलों में, उसको किस तरह से पूरी तरीके से, यहाँ पर जो उन्होंने 370 की बात कही थी, 370 हट जाएगा, हट गया तो सारी चीजें समाप्त हो गई। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आकर बनारस में और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ घटनाएं घट रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी लोग बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि सारी चीजें केवल दिखावटी हैं, इनको प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर जिन लोगों ने ऐसा कार्यपूर्ण कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।